नमस्कार, जय श्री राम। तो ये देखो, ये इनका पूरा सामान मेरे हाथ में है, ये बाहर निकल गया। दोनों मोबाइल, हेलमेट, घड़ी सब भूल गए। वाह, अच्छा हो गया मैं एक हूँ। नहीं तो आधे रास्ते पे जाके वापस आए होते। एक बार तो चले गए तो याद नहीं है क्या? मोबाइल भूल के आया था ना, मैं खुद से आया था ना। तो और मतलब खुद से आ गया था ना। कुछ अच्छा बोलने में जा रहा है, दो शब्द बोल देंगे तो मेरे बारे में। और कुछ गाड़ी धोया, ये तो दूसरी नहीं गाड़ी अपने खुद की। मैं बहुत सारे काम करती हूँ जो ये नहीं करते हैं। अगर जो थोड़े बहुत गिनती के बच्चे कुछ काम कर लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं। जाओ सेम्बली, अवार्ड दे दूंगी आपको। आ जाना अभी, जनवरी 26 जनवरी को। हाथ दुख रहे हैं मेरे, क्या करूँ? इसमें टंगाओ ना, तो टंगाने को मना ही है। कैसे टंगाऊंगी? यहाँ टंगाओ। कैसे टंगाऊंगी मैं? इसके अंदर दोनों मोबाइल है आपके? उसमें नहीं आता। इसके अंदर है, निकाल लो। निकाल लो, मत देखो। बहुत काम करते बोलते हैं। आज से ड्यूटी जाएंगे, फिर आज से फिर इनका मूड खराब हो जाएगा, फिर रात में आके फिर चिल्लाएंगे। बड़े बता रहे हो, पगला समझे फिर चिल्ला। समझना क्या इसमें? ये देखो, ये वॉच, ये मैंने बर्थडे गिफ्ट दी थी इनको। देखा टाइम की कितनी कदर है मेरे को। गेट खोलो। देखो ना, दरबान बना के रखे। गेट खोलो, गेट बंद करो। हाँ, साल में एक बार एग्जाम निकलता। तोड़ लेना। तो आज है मेरी बांसुरी की एग्जाम और मैं अभी करने बैठूंगी रियाज, क्योंकि रिद्धि के पापा रहे तो कुछ काम नहीं होते मेरे। डीजे लगे रहते सुबह से, भगवान के गाने बजते रहते। तो अब जा रही हूँ मैं अपना रियाज करने के लिए, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं दोपहर भर से रियाज कर रही हूँ। आधे आधे घंटे का ब्रेक लेती थी और फिर रियाज कर देती हूँ, क्योंकि मेरे होंठ ना ऐसे दुखने लग गए हैं। और ज़्यादा इन लोगों से काम करवा लूँगी तो फिर एग्ज़ाम के टाइम पे बजा नहीं पाऊँगी। ठीक है, तो अभी मैं फिर से रेस्ट ली हूँ। अभी कितने बज रहे? 5 बज रहे। तो अभी मेरे क्लास शुरू होने को 2 घंटा बाकी है एग्ज़ाम को। तो अभी मैं चाय बनाती हूँ और उसके बाद मैं खाना बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ऊपर जाना रहेगा। मैं जितना मुझसे बन सकता है उतना काम मैं करके अभी चले जाती हूँ ऊपर रियाज करने के लिए। ठीक है, फिलहाल तो मेरी चाय बन रही है और दम अदरक कूट के डाली हूँ मैंने, बहुत सारा अदरक डाली हूँ मैंने, क्योंकि मेरा सर पकड़ लिया है। लिटरली मैं इतने देर से रियाज कर रही हूँ ना, एकदम मेरा ये भी दुखने लग गया, ये ऐसा मेरा 6 महीने का जो रियाज है ना, मैंने 8 दिन भर में पूरा कर दी। अगर से इतनी मेहनत में रोज करी होती ना, तो आज इतना समय नहीं देना पड़ता है मेरे को। खैर जाने दो, जो भी हो, भगवान की दया से, भगवान को वही बोलती हूँ कि मेरा आज के एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाए। प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए मुझको। है मेरे को बेस्ट ऑफ लग दे। कैसे बच्चे है? मैं देती हूँ, क्यों निकल दे बाबू, अच्छे से छुड़ाना। बेस्ट ऑफ लक, जाते वक्त कई बार बोली मैंने। कैसे बच्ची, वीडियो में भी दिखाऊंगी तेरे को मैं। अच्छा होगा, मैं वीडियो बना शूट करते समय वीडियो बना। अच्छा, ऐसी कैसे बच्चे होंगे, बहुत दलितर बच्चे हैं। इनके लिए सुबह से उठो, खाना बनाओ, टिफिन दो, इनके पीछे लगे रहो, बाबू पढ़ाई करो। उसमें भी बोलते मुझको, इन लोग ने आज तक मुझको कभी बोले क्या रियाज करो करके? 25 लोगों का मेरे ख्याल से एग्जाम होना है, 25 स्टूडेंट है। और सर बोल रहे थे कि मैं सभी लोग का एक ही दिन में ले लूंगा। मेरा कितने पे नंबर लगता है भगवान जाने। और अगर से मेरा 25वां नंबर लगा तो
मुझे बैठना पड़ेगा ना उतने देर तक, बैठने की हालत तो है नहीं मेरी उतनी देर तक, सर को बोलना पड़ेगा पहले मेरे ले लो भैया। अरे वाह देखो कितनी प्यारी प्यारी चली आई है, जोड़ा है जोड़ा, ये एक है दूसरा कहाँ से, दो थे लो आ दूसरा उड़ा ले, मियाँ बीबी है लड़ रहे दोनों ने, मैं और रिद्धि के पापा। अरे टेटका है क्या, टेटका बैठा है क्या, क्या बोलते है इसको, गिरगिट गिरगिट। हमारे घर में सारे जीव जंतु पशु पक्षी आपको देखने को चरने को मिलेंगे, हमारा घर चिड़िया घर है, चिड़िया घर। अरे मेरी चाय जल जाएंगी, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। ये चल रही है दीपावली के नाश्ते की तैयारी, मम्मी बना रही है ये चूड़ा है, ये पोहा भून रही हूँ सब पतला वाला, 2 किलो है और फिर उधर बाकी है भूनने को, अभी 1 घंटा लगेगा भूनने को, 10-15 मिनट हो गए अभी, जब तक कड़क नहीं होता जब तक सूखा अभी ना तेल का, दिन भर धूप में रखी फिर उसको छानी, इच्छा नहीं थी बनाने की एक बार कुछ मोड़ नहीं था, वो बच्चे खाते हैं तो बनाना पड़ता, मेरे बच्चे खाते हैं, मेरे बच्चों को शौक है दोनों को, छोटे बच्चे नहीं खाने के देखते। मुरमुरा भी डालने वाले हो? हाँ उसको भून के निकाली दे, कड़क कर लाल कर दी पूरा, मुरमुरा ज्यादा नहीं डालती है, अच्छा नहीं लगता, लोकल चूड़ा दिखता, वो भेल दिखता फिर, भेल दिखता ना वो, जो भी देखेंगे वो खाने आना। और मैं हो गई हूँ तैयार एग्जाम के लिए, सर ने बोले थे अच्छे से तैयार होके आना एग्जाम में बैठना है, तो आपकी कपड़ों पे से भी आपकी परफॉर्मेंस मतलब अच्छी हो गई है, जितने अच्छे कपड़े उतनी अच्छी परफॉर्मेंस। तो अभी मैं जाने के पहले मम्मी के पैर पड़ लेती हूँ, कारण कि मम्मी जो बोलती है सच होता है, मम्मी बोल दो मैं अच्छे मार्क्स आए, बस पास तो हो जाऊंगी मैं, तो आधी मार्क्स करके, हाँ वो आधी तो है, रिजल्ट भी आधी है कि बाद में रिजल्ट, दिवाली बाद है, दिवाली बाद आज एग्जाम हो जाएंगी पास, मेहनत कर ली थोड़ी से, हाँ पास तो हो जाऊंगी मैं, अच्छे मार्क्स की बात है, अच्छे मार्क्स आ जाने को ना बस। अभी मैं जाती हूँ ऊपर के रूम की थोड़ी तैयारी करती हूँ, उसको भी ठीक से करना है ऊपर का रूम, अब वैसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि मेरे को वहीं पे बैठ के करना है एग्जाम, ठीक है तो मिलती हूँ आपको एग्जाम के बाद। और मम्मी आज सब्जी बनाने वाली है लवट की, और मैं तो रहूंगी नहीं दिखाने के लिए, रिद्धि को बोल के जाऊंगी, लेकिन वो मैडम तो सो रही है, लवट की सब्जी मतलब महाराष्ट्रियन, 2-3 घंटे लगेंगे अभी, 5:30 बजे भिगाई दाल, तुअर की दाल को भिगा के बनाना पड़ता है, तो ये महाराष्ट्रियन डिश है ये सब्जी जो है, तो ये मम्मी को आती है बनानी, मैंने एक बार ट्राई की थी लेकिन मुझे थोड़ी कच्ची रह गई थी इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ, मम्मी मोस्टली बनाती है, ठीक है तो अभी मैं जाती हूँ, मिलती हूँ आपको ये मेरे एग्जाम के बाद, बने रहे मेरे साथ। तेल डाली, राई जीरा डाली, और ये अभी मसाला डाली, अदरक लहसुन प्याज, प्याज का पेस्ट, अभी इसको भूनूंगी, मसाला करूंगी, मसाला करके पानी डालूंगी ग्रेवी के लिए, ये भून लूंगा ग्रेवी के लिए पानी डालूंगी, उसके बाद फिर इसमें हल्का सा बेसन डाल के उसके गोले लगाऊंगी, गोले लगाऊंगी इसके अंदर डालूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो मसाला हो गया है, अदरक लहसुन प्याज का पूरा, हल्दी मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और ये उसके बाद फिर मसाला होने के बाद पानी डाली हूँ, खौलाई हूँ, नमक वगैरह सब डाल के अभी छोटे छोटे तुअर के दाल के गोले डाल रही हूँ, हल्का हल्का इसको थोड़ा मोटा मोटा पीसना पड़ता है एकदम बारीक नहीं। अरे ये आ रहे हैं ऊपर, अभी इसमें गोले डालूंगी, उसके बाद इसको ढक के रख दूंगी, ये धीमी आँच में पकेगा, इसको टाइम लगता पकने को, फिर आपको बताऊँगी पकने के बाद। देखो दोस्तों ये बन गई सब्जी, ये पक गए लवट, इसकी चाची के लिए भी जाती हूँ, इसको बोलते लवट की सब्जी, मराठी डिश तुअर की। तो ये बन गया है, मम्मी ने बना दिया दीपावली का चूड़ा, सबसे पहला नाश्ता यही बनाया है हमारे यहाँ। अभी बज रहे हैं 10 और मैं अब भी जस्ट उतरी हूँ नीचे क्लास अपने एग्जाम देके, मेरे एग्जाम थ्योरी तो बहुत अच्छी गई, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा लास्ट में गड़बड़ हो गया, लेकिन सर ने फिर भी मेरी बहुत तारीफ की क्योंकि मैं
फिर से उसको गलती जो मेरी हुई थी मैंने सुधार के फिर से बजाई। बहुत हल्का लग रहा है अभी मुझको, अभी मेरी दीपावली बड़ी अच्छी जाने वाली है। ठीक है, तो अभी मैं रोटी सेकती हूँ और मिलती हूँ आपको कल सुबह। बने रहे मेरे साथ, बाय बाय।